क्या है तकरीर? देखिए, आज हमारी टीम को ये सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि यहाँ शायद किसी घटना की फिराक में है या हो सकता है किसी घटना को अंजाम दें। और इस सूचना पर जब हमारी पुलिस टीम ने इन लोगों को चेज किया, घेराबंदी की, तो इन लोगों ने रुकने की बजाय भागने लगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पर जाके इनकी गाड़ी जो थी वो भिड़ गई। पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने वहाँ से भागना शुरू, पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू किया। उसी क्रॉस फायरिंग में हमारे दो सिपाही भी इंजर्ड हुए हैं और एक इसमें से बदमाश है, उसको गोली लगी है, घायल हुआ है। कुल मिला के 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और मौके से 3 अभियुक्त फरार हैं। जो इनके पास से गाड़ी एक बरामद हुई है, इसको अभी हम लोगों ने चेक किया तो ये हमारे यहाँ सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक घटना अभी हुई थी लगभग 20-25 दिन पहले, उसमें इस गाड़ी को इन बदमाशों द्वारा लूटा गया था। ये वही गाड़ी आज मौके से बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से एक पिस्टल और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त हैं उनको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। जो घायल है उसको अस्पताल भेजा गया। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और हम लोगों को पूरी संभावना है और जो प्राथमिक पूछताछ में इन लोगों ने बताया, और भी घटनाओं को इन लोगों ने यहाँ पर अंजाम दिया है, तो इन लोगों से पूछताछ के बाद जो पूरा विवरण होगा वो आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। सर, क्या क्या नाम है? 2 पुलिसकर्मी हमारे चोटिल हुए, हालांकि ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं है। 2 कॉन्स्टेबल से जो सर, बदमाशों के क्या क्या नाम है, कितने राउंड दोनों के बीच फायरिंग हुई थी? देखिए, दोनों ही तरफ से एग्जैक्टली तो मैं संख्या नहीं बता पाऊंगा कितने राउंड फायर हुए, लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग हुई और जो बदमाश घायल है उसका नाम इरफान है और जो 2 और अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनका प्लस जो फरार वाले हैं उनसे पूछताछ में सारी डिटेल्स आप लोगों को अभी शाम तक हम लोग अपडेट करेंगे।